दिस इज़ असद मल्टीवेरिएबल कैलकुलस लेक्चर नंबर 9 में आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई का, मतलब इसका हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ ऑफ वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसी तरह इस फंक्शन का भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2x प्लस 3y होल पावर 10, इसकी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y होल पावर 10। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं इस तरह लिख दूंगा, पार्शियल बाय पार्शियल x एफ ऑफ एक्स वाई इनटू पार्शियल बाय पार्शियल x 2x प्लस 3y होल पावर 10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पे एक्सटेंडेड पावर रूल यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इस पावर की एक्सपेंशंस करूँगा, तो पावर की एक्सपेंशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि पावर रूल इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, 10 आगे आएगा कोफिशिएंट में आ जाएगा, फिर इस 10 से 1 को माइनस करो, और पावर के अलावा अब क्या रहता है, पावर के अलावा हमारे पास रह जाएगा मतलब 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 2x प्लस 3y होल पावर 9। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो फिर एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा 20, क्योंकि ये 2 इस 10 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 20 2x प्लस 3y होल पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली आप लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर इस तरह आएगा, यहाँ पे लिख दो पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और यहाँ भी लिख दो पार्शियल बाय पार्शियल वाई। ठीक है, इसकी जगह आप लोग सिंपल एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे भी दोबारा पावर रूल यूज़ करो, 10 आगे आएगा, इस 10 से 1 को माइनस करो, पावर के अलावा क्या रहता है, पावर के अलावा आप लोग लिख दोगे 2x प्लस 3y। अब आप लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y जो है x का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 होगा। यहाँ जब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, y 0 हुआ, y कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यहाँ पे आप जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 2x प्लस 3y होल पावर 9, ये हो जाएगा 0 प्लस 3। तो इस 3 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा 30 2x प्लस 3y होल पावर 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम्स इस तरह है कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को गिवन है x पावर y एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर वाई। तो अगर आप लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो फिर एक्स वेरिएबल होगा और वाई कांस्टेंट होगा, जिस तरह हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, या मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब, या मैं लिखता हूँ एक्स पावर ए। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये इस तरह होगा, मतलब एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब वाई की जगह टू पुट करोगे तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपल आप लोग पावर रूल यूज़ करोगे, क्योंकि वाई जो है ये कांस्टेंट है, वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डिफरेंशिएशन सिंपल पावर रूल की तरह करना है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस बन जाएगा। तो पावर रूल इस तरह है, वाई आगे आएगा कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और फिर वाई से 1 को माइनस करो। तो ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है, ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वाई क्या है, कांस्टेंट है। अब आप लोग जब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करोगे
तो विद रिस्पेक्ट टू y जो है फिर x कांस्टेंट होगा और y जो है ये वेरिएबल होगा। तो जब x कांस्टेंट होगा y वेरिएबल होगा तो इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह है जिसमें बेस में ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है और यहाँ वेरिएबल होता है पावर में। तो अब x कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है, मतलब ये 2 पावर x 3 पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ये a, ये 2 और ये 3 कांस्टेंट है। तो जब आप लोग इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशंस करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशंस करोगे तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है a पावर x ln a। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँगा x पावर y, क्या लिख दूँगा? x पावर y, जिस तरह ये टर्म सेम टू सेम आएगा। और फिर मैं लिख दूँगा ln x, क्या लिख दूँगा? ln x। यहाँ पे x कांस्टेंट है और y जो है ये वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो सिंपल क्वाड्रेटिक या अल्जेब्रिक फंक्शन बन जाता है। सिंपल आप लोगों को पावर रूल की तरह यूज़ करना है क्योंकि y कांस्टेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा और फिर आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद और भी हायर आर्डर डेरिवेटिव्स, इसके बाद हम हायर आर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे।